अस्सलाम वालेकुम, कसौटी एट ओपन माइक कैफे यूएई स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा, और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब और बब्बू राणा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? गुड, वेरी गुड। सर एक बार पहले मैंने आपसे सवाल किया था, आप इतने मुकप्पड़ हो गए बैठे हुए। जब बंदा किसी जगह गया और वहां से आते ही सर मंडाते ही ओले पड़ जाए तो फिर बंदा मुकप्पड़ होके बैठता है। अभी शुक्र करें मैंने टाई उतार दी है, जैकेट उतार दी है। वाह। नहीं तुसी आज किते कंसर्ट करते रहे? नहीं, कंसर्ट पे गया हुआ था, इनवाइटेड था। अच्छा, वो हमारे पे आ जाते हैं, हमारे शोज में आते हैं, तो फिर उनके यहाँ जाना जरूरी था। अच्छा कंसर्ट सी। अच्छा था, लेकिन हमें इस वजह से फिर काफी टाइम। इंडिया से सिंगर आए थे? इंडियंस थे, पाकिस्तानी थे। और आप कसौटी में बड़ी ऐनक लगा के एक फिलोसोफर काइंड ऑफ बन के मैं बैठे। दानश्वर बनने की नाकाम कोशिश। नहीं नाकाम नहीं, नाकाम बड़ी हद तक थे। आप कामयाब हो रहे हैं। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त चैलेंजर्स जी हैं। हमारे पहले चैलेंजर हमारे साथ मौजूद है, हमारे पेट्रन भी हैं और शारजा से इस वक्त हमारे पास जूम पे हैं अब्रार साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इब्रार साहब बहुत करीब हैं आप हमारे इस वक्त, हमारा दरमियानी फासला तकरीबन 15 से 20 मिनट का है जी। इंशाल्लाह मैं बेचैनी से इंतजार कर रहा हूँ। जब आप लास्ट एक प्रोग्राम में बता रहे थे कि बहुत सारे लोग बनफसे नफीस शरीक होना चाहते हैं आपके शो में, जी जी उनमें जी से एक मैं भी हूँ, डिस्टर्ब नहीं किया है। हम इंशाल्लाह फैमिली के साथ जब भी आप ग्रीन सिग्नल देंगे तो हम इंशाल्लाह बनफसे नफीस हाजिर होंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह ताला, आई लुक फॉरवर्ड टू इट इंशाल्लाह। जी सब पहली पर्सनालिटी की तरफ चलते हैं। पहली पर्सनालिटी हम कर चुके हैं, इसलिए आपके पास 17 क्वेश्चंस हैं। अच्छा जी, शख्सियत मर्द है? जी मर्द है सर। जिंदा? नहीं। अच्छा जी, शख्सियत मर्द है, जिंदा नहीं है, ताल्लुक एशिया से? जी नहीं। ताल्लुक एशिया से नहीं, यूरोप से? जी ताल्लुक यूरोप से। यूरोप से तो गोया मेनलैंड यूरोप से? जी नहीं। बरतानवी? एक बरतानवी शख्सियत जो जिंदा नहीं है, और शकील साहब का डिपार्टमेंट। जी अबरार साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी 50 साल से ज्यादा। 100 साल से ज्यादा? 100 साल से कम। सो 1923 से 1973 के दरमियान, तो 75 का कर लिया जाए जी। फिर पहले वजह शोहरत तो या सियासत है या लिटरेचर होगा, इल्म फजल होगा। अबरार साहब, इनकी वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? जी नहीं। इल्म फजल है? जी इल्म फजल। 9 क्वेश्चंस आपके पास, टोटल 17 सवाल है। अब ये पीरियड जो है ना, आप देखिए कि इस पीरियड में कोई लिटरेचर की शख्सियत अगर है तो बर्नार्ड शॉ सबसे कदावर शख्सियत, आपका वो नोबेल लॉरिएट बर्टन रसल, ठीक है ना, इवन विंस्टन, लेकिन विंस्टन का ताल्लुक सियासत और हुकूमत से था। तो इसको अगर नैरो कर लें, हम 75 पे ले आए, अभी क्या है जी? 73 सर, 23 से 73 के दरमियान। 73 के दरमियान, ज्यादा तो 100 तो का। हाँ मतलब वही 75 पे ले आए इसको, तो इससे क्या होगा? सवाल ही जाया करो। मिड नहीं नहीं, आप सवाल जाया करेंगे, आप लिटरेचर पे जाइए। लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिटरेचर एंड साइंस और टेक्नोलॉजी। नहीं, लिटरेचर पे शख्सियात जो है हमारे ज़हन में, क्या फिर डीएच लॉरेंस भी है? वो भी इसी दौरान है, ऐसा ही है ना? और कौन? ऑस्कर वाइल्ड? ऑस्कर वाइल्ड देखा जाए तो ब्रिट नहीं है, आयरिश है। आयरिश। सर कितने 11 क्वेश्चन हुए? सर 9 सवाल हुए। तो अभी लिटरेचर एस्टेब्लिश हो गया कि नहीं? अभी नहीं हुआ। तो फिर लिटरेचर पे जाइए। कोई अदबी शख्सियत अबरार साहब? जी अदबी शख्सियत। अच्छा 10 सवाल। अदबी शख्सियत है तो ड्रामा निगार हो सकते हैं, नावल निगार हो सकते हैं, शायर भी एक कद्दा
टेनिसन जो हो पुराना चुके हैं उन पे है, फोकस करें, कौन बर्नर से? शॉ हो चुका है ना, बर्नर शॉ इसीलिए मेरे जहन में फौरन आया, ओके बर्नर शॉ हो चुका है, डी एच लॉरेंस मेरा ख्याल है नहीं हो चुका। फिर उसका और मार्लो तो पहले का कैरेक्टर आई है, थिंक सो। और ये आयरिश भी हो सकता है, ब्रिटिश भी हो सकता है, दोनों है, अभी हमने वो भी नहीं किया। तो पूछे ना कि वजह शोहरत ड्रामा है, वजह शोहरत ड्रामा? जी नहीं सर। फिर ऑस्कर वाइल्ड है, नॉवल है जी वजह शोहरत। कौन कौन से नॉवल निगार आपके जहन में आते हैं? कैन फॉले, वेरी बिग नॉवलिस्ट जो बेस्ट सेलर है। हम बेस्ट सेलर्स पे जाते हैं, कोई अदीब जो है ना एज सच कोई क्लासिकल नहीं है ये, ठीक है ना। समरसेट मॉम भी तो हम कर चुके हैं। समरसेट मॉम नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। क्यों डॉक्टर साहब? नहीं नहीं नहीं, वी डिडंट डू समरसेट मॉम, अदरवाइज मुझे याद होता। कैन फॉले मुझे याद है, लेकिन कैन फॉले ने जो भी लिखा है वो बेस्ट सेलर्स है, क्लासिक की लिटरेचर नहीं है, सिडनी शेल्डन की तरह, जॉन ग्रिशम की तरह। अच्छा जी, नॉवल निगार हैं कोई? नॉवल निगार हैं। अच्छा जी, इन्होंने नॉवल भी लिखे और ड्रामे भी लिखे? सर ड्रामा का सवाल आप कर चुके हैं। हाँ, नहीं, मैंने कहा ड्रामा निगार उनकी वजह शोहरत नहीं थी, ये मैंने ड्रामे कहा नहीं लिखे, ड्रामे नहीं लिखे। फिर ऑस्कर वाइल्ड नहीं है। और आपने पूछा है कि नॉवल निगार, तो पूछ रहे हैं कि नॉवल निगार है जी। सब 12 सवाल हो चुके हैं और 5 रह गए हैं, आप डेंजर जोन में हैं। और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का जो राइटर था वो तो बहुत पहले फौत हो गया था, बाद में इसके ऊपर फिल्म बनाई गई, ट्रिलॉजी जो बनी थी। अच्छा जनाब, ये बताइए कि इनके नॉवल पे एक मशहूर ट्रिलॉजी बनाई गई जी, या फिर आप वो देखें टारजान, टारजान वाला जो है जिसने लिखी वो भी बनाई गई, टारजान वाला के बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि 007 वाला तो अभी कल की बात है हमारा, टारजान वाला जो डॉक्टर क्या था उसका, क्या क्या नाम उसका? 13 questions। हम टारजान का वो कर चुके हैं जो उसका खालिक है, एडगर राइस। एडगर राइस, आई एम नॉट श्योर। नहीं 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 किया, वो उधर करते हाँ, हैं बब्बू बनते खबर हार में करते हैं जी। ये इयान फ्लेमिंग कब मरा? फ्लेमिंग तो साइंसदान नहीं था? नहीं, इयान, इयान फ्लेमिंग वो है था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इयान फ्लेमिंग था जेम्स बॉन्ड वाला यार। ओके, ओके। फिर सर आर्थर कॉनन डॉयल, यस शर्लक होम्स भाई, वो तो दैट इज अ बिगर नेम, मच बिगर नेम। हाँ, उसकी डेथ नकल 1930 के करीब हुई, ये उसमें फिट इन वो होता है प्रोबेबली। हुजूर क्या कर रहे हैं आप? तो डिटेक्टिव ये हो चुका है ना, अपना आर्थर कॉनन डॉयल हो चुका, हो चुका ये इन ऑल प्रोबेबिलिटी, ये आर्थर कॉनन डॉयल। तो डिटेक्टिव्स की तरफ जाएं, 13 सवाल हुए जी। जी सर। अच्छा जी, इब्रार साहब मशहूर कैरेक्टर शर्लक होम्स के क्रिएटर हैं ये? जी सर। दैट इज द फर्स्ट ब्रेक थ्रू, दैट इज द डायरेक्ट हिट, फर्स्ट स्माइल। ओके, आपने सर आर्थर कॉनन डॉयल पूछा जी। थैंक यू सो मच अब्रार साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी, वेरी गुड पर्सनालिटी, माय वेरी फेवरेट राइटर। इनकी डेथ 1930 की है क्या? एग्जैक्टली, कितना आपको याद है सर, ग्रेवयार्ड शिफ्ट उसका काम ये है सर, डायरेक्ट 1930 याद है। ये अदीबों, शायरों, लिखारियों और साइंसदानों का गोरकन है। जी अब्रार साहब, थैंक यू वेरी मच सर, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे के वक्तन फवक्तन कसौटी ज्वाइन करते रहा करें। जरूर सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। आपका इलाका कौन सा है पाकिस्तान में? एबटाबाद तो नहीं है जी? हम इस्लामाबाद से हैं जी, इस्लामाबाद के करीब वो कोटा का एरिया है। कोटा? कोटा से हैं हम वैसे बिलोंग तो इस्लामाबाद से करते हैं, हां कोटा ज्यादा करीब है तो तारफ कोटा ही कराते हैं। ओके ओके, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलें जी, ठीक है, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, ओके।
हमारे नेक्स्ट चैलेंजर हमारे साथ मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम ग्लासगो, मोहम्मद मुबीन अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आप शकील साहब, आफ्ताब भाई कैसे हैं? जी वेरी गुड। बिल्कुल जी मुबीन साहब, शख्सियत मर्द है? जी जिंदा? जी नहीं। ताल्लुक एशिया से? जी साउथ एशिया से? जी पाकिस्तान से? जी इंतकाल की तरफ जाइए क्योंकि पुरानी शख्सियत हो सकते हैं। इंतकाल को मुबीन साहब 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी नहीं। 1973 के बाद? 25 साल से ज्यादा? जी नहीं। 1998 के बाद? जी 25 साल से कम? जी सर, सो 25 साल दैट से वाज अ कम। डिसेप्शन। नहीं सर, उनको शायद कंफ्यूजन हुआ है। ये पहले नहीं हो चुकी शख्सियत? नो सर। वजह शोहरत शोबिज? ये बताइए मुबीन साहब के वजह शोहरत शोबिज है? जी साहब ने छक्का मरवा दिया शुरू में ही। है ना, क्या पहले सियासत और हर हुकूमत आती? 5 सवाल जाया होते थे पहले, फिर शोबिज मैं भी अच्छा यही सोची थी शकील साहब। मैंने इसलिए पूछा कि शोबिज मेरे लिए मुश्किल होता है, तो सियासत और हुकूमत जी मैंने कहा आसान है, तो मुश्किल की तरफ पहले जाएं। अच्छा जी, वजह शोहरत अब फिल्म भी हो सकती है, ड्रामा भी हो सकता है, यस मौसीकी भी हो सकती है, जी अदाकारी और मौसीकी। अच्छा जी, वजह शोहरत अदाकारी है? इंतकाल 98 के बाद हुआ, 98 के बाद। और ये मुझे अब लगता है क्लोज कोई क्लोज कोई आइएगा 12 साल कर दे, जी 10 साल कर 10 साल। दे। हाँ, मुबीन साहब इनके इंतकाल को 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी 98 और 2013 के दरमियान। ओके 10 सवाल। 98, दैट मीन्स फिल्मी मेन कैरेक्टर सुल्तान राय इज आउट, ही डाइड इन जनवरी 96। तो ये पूछना पड़ेगा जी, टीवी वजह शोहरत बुनियादी फिल्म? नहीं आप टीवी नहीं, ये कि टीवी है या फिल्म, ये नहीं पूछ सकते नहीं, आप मतलब इस टीवी। तरह से कुछ करना पड़ेगा, डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। अभी वैसे रिसेंटली एक लॉस हुआ है हमारा, शकील साहब ओए बहुत शानदार अंकल अ फ्यू उर्फी डेज अगो, के लाजवाल कैरेक्टर, ओए ओए यस। हमारा बचपन बहुत सारा नॉस्टैल्जिया बड़ा मैंने फील किया। ये अच्छा भी जी, वजह शोहरत कॉमेडी थी? जी नहीं। अली इजाज़ भी गए, नन्ना भी गए, मुनव्वर ज़रीफ़ तो खैर पहले के थे, लहरी भी गए, लहरी पहले हो चुके हैं वैसे, तो हीरो के तौर पे बतौर हीरो शोहरत पाई? क्लोज जी नहीं। हो रहे हैं ना, बहुत सारे रूल आउट होते चले जाएंगे, कैरेक्टर एक्टर रह गए या विलन रह गए? लेकिन यह मैंने किया कि बुनियादी वजह शोहरत फिल्म है या चल टीवी, रहे आ रहे टीवी। मुझे टीवी के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। बुनियादी वजह शोहरत फिल्म थी? बी है, लेकिन जैसे आपने सवाल पूछा है स्पेसिफिकली, आई थिंक कि उनकी बुनियादी वजह शोहरत टीवी थी। ओके खैर है शकील साहब, आज पहला सवाल आपने ये करने के लिए कहा था फिल्म या टीवी अब पूछ फिर ले, कहते हैं मैं शोबिज में बहुत है ना, पहला कमजोर सवाल इन्होंने कहा आज शोबिज करा लें, फिर कहते हैं टीवी फिल्म पूछ ले। खैर है हूं। उनकी शकील शख्सियत से मुझे लग रहा है कि टीवी में ज्यादा इंटरेस्ट है। टीवी अच्छा जी, मैं इधर जो है ना शख्सियत के करीब करीब पहुंच गया था, मैं जी फिर डाइवर्ट हो गया। टीवी पे फोकस करें, ऐसा बंदा नहीं जिसने ज्यादातर भैया टीवी से ही गए हैं लोग, ज्यादा टीवी से गए हैं, टीवी बुनियादी वजह शोहरत टीवी से करके फिर फिल्म में चले गए। असल शोहरत इन्हें जो है ना वो फिल्म से मिलती है, फिल्म के कैरेक्टर्स। अब लेकिन फिल्म के बहुत सारे विलन्स जो है ना, फिल्म के विलन वो निकल जाते हैं इससे, फिल्मी विलन। हमारे पाकिस्तान के कितने को विलन है, कौन कौन है, वो सारे निकल जाते हैं इससे। एंड व्हाट अबाउट तारिक अजीज बाय द वे? वो कर चुके हैं तारिक अजीज, वी हैव डन तारिक अजीज। ओके एंड तारिक अजीज हीरो के तौर पे आए नहीं का सुबह पे आए। टीवी की ज्यादा चांसेस सिंध के होंगे। अच्छा जी, सुबह पंजाब से ताल्लुक था मेरा ख्याल है जी। फिल्में भी की बुनियादी तौर पर, तो फिर उस दौर का जो है ना जमील फखरी इस टाइम में फॉल करता है। बुनियादी वजह शोहरत टेलीविजन के बड़े ड्रामे फिल्में 14 questions। 14 फिल्मों में काम, दिलदार परवेज भट्टी क्योंकि एक्टर नहीं थे इसलिए वो इसमें फॉल नहीं करते, और वो हम कर भी चुके हैं दिलदार भट्टी एक दफा।
फिल्मी शख्सियत अलाउद्दीन ने टीवी नहीं किया हुआ, एजाज ने टीवी नहीं किया हुआ, असलम परवेज ने टीवी नहीं किया हुआ, अदीब साहब आए भी बाहर से थे, उन्होंने टीवी नहीं किया, कोई खास टीवी शिव महबूब आलम वॉज एक्चुअली वो थे टीवी। अच्छा महबूब आलम ने कुछ फिल्में की हुई हैं लेकिन उनकी वजह शोहरत सिर्फ टेलीविजन, ये कहना भी ज्यादती है कि जी फिल्म एक्टर थे लेकिन वजह शोहरत उन्होंने बुनियादी वजह शोहरत जो है वो टीवी थी, वो टीवी ही थी। आप एहतियातन महबूब आलम को वारस वारस वाले शुजात हाशमी हयात है, आई थिंक ही इज अलाइव। यस अभी रिसेंटली अफजाल चिट्टा अफजाल अहमद नहीं नहीं अभी फ्यू ईयर 2 साल हुए, फिर रंगीला वाज अ कॉमेडियन। यस इलियास कश्मीरी टीवी के साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं था, उन्होंने टीवी चुके होना ज्यादा ज्यादा टीवी चुकीता कुछ नहीं, उन्होंने कह रहा टीवी चुक लो मुबीन साहब हंस रहे हैं की बात हो नहीं, हम अब साथ साथ करते करते कॉम कर रहे हैं सबको। अच्छा उर्दू पंजाबी ये भी एक बड़ी अहम, तो ये उर्दू फिल्मों के ही एक्टर होंगे बुनियादी तौर पर जो इन्होंने कहा बुनियादी वजह शोहरत टीवी, तो टीवी के पीछे पड़े टीवी पता क्या ये और टीवी स्टेशन पर ये शख्स मशहूर हुआ और फिल्म करने लाहौर, फिल्म का दौर था हयात यहीं रहे, जैसे आबिद अली देखा जाए ना तो आबिद अली बिगैन हिज करियर फ्रॉम क्वेटा तो बलूचिस्तान, उनका डोमिसाइल ही बलूचिस्तान का था लेकिन आबिद अली तो हीरो थे ना, वो तो हीरो आते रहे बहुत ज्यादा। ये बात याद रखना कि किसी और टीवी स्टेशन से हिट हुए और यहाँ है, फिर इनके अलावा वो एक और क्वेटा से आया ओहो, लेकिन वो तो अभी तक जिंदा है कॉमेडियन है कॉमेडी करता था वो नहीं रिजाज तो यार इसलिए मैं कह सकता हूँ यही 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 आपका बार बार ध्यान जो है ना जिधर जा रहा है ना ये महबूब आलम किसी हद तक, क्योंकि महबूब आलम मेरा ख्याल है कि वो इसमें कोई पोठवारी टच था महबूब आलम में मुझे लगता है, वो तो वारिस से अब रूल आउट कर सकते हैं। हाँ नहीं वो तो कर लेंगे, अभी हमारे पास इतने सवाल जाया करने वाले नहीं है, अभी आ जाए ना जो यहीं रहे फिर फिल्म टीवी रेडियो फिर उनका इंतकाल। अच्छा लेकिन उनका इंतकाल तो काफी पहले नहीं हो गया था महबूब आलम का, वो भाई बहुत पहले हो गया था उनका इंतकाल, एक आध दफा उनकी कोई जाली खबर भी ऐसे चली थी कि जी इंतकाल हो गया फिर पता चला जी नहीं ही इज़ अलाइव, महबूब आलम का इंतकाल बहुत पहले हो गया। और आइए कोई कोई और टीवी की शख्सियत जो, हाँ लेकिन वो तो कराची के ही थे सलीम नासिर, डेफिनेटली कराची के थे, आंगन टेढ़ा ये दो बहुत बड़े नाम हैदराबाद दक्कन से आए थे, ये और एक अनवर मकसूद, अनवर मकसूद एंड सलीम ऑफ कोर्स अनवर मकसूद साहब एंड ऑल हिज सिब्लिंग्स, हर बंदा लाइक उनकी फैमिली मेंबर्स सारे के सारे इतना बड़ा हाई अचीवर्स मतलब वो भी कितने अचीवर्स हैं, वो हैं इसमें कोई शक नहीं, दे आर ऑल हाई अचीवर्स, बहुत ज़हीन और बड़े लाजवाब लोग हैं। अच्छा जी अब हम डिट्रैक्ट हैं बड़ी देर से टीवी का कोई बंदा देखो ना इससे चूंकि डोमिसाइल से हमें नहीं पता चल रहा कि lived in Punjab and he died here. अब वो नहीं पैदा कहाँ हुए कहाँ से आए थे इंडिया से आए थे देखें लग ही रहा इंडिया से आए कराची चले गए जाहिर जो कहानी लग रही है अच्छा कराची से फिर पंजाब आ गए अब कराची से पंजाब कराची टीवी से बड़े बड़े लोग पैदा हुए बड़े बड़े लोग उमर शरीफ नहीं एक एक यार एक हसाम काजी Assam Qazi came from Balochistan. Karo. वो recently वो इसी दौर में Assam Qazi. दस तो ठीक हो गया? दस तो ज़्यादा. अच्छा. Assam Qazi. रखना है ज़हन में इसको इसके अंदर रखना है. चलें इसको भी आपके टीम में डाल. Assam Qazi. एक और नाम मेरे ज़हन में आ रहा था.
जो लेकिन हसान काजी नेवर सेटल्ड इन पंजाब, वो फिल्में करते होंगे पंजाब में सेटल बैठल नहीं हुए। और लाहौर सेंटर तो फिर बड़ा काम भी था। अच्छा पीटीवी लाहौर सेंटर उन्होंने काफी काम देख लिया। नहीं हसाम काजी का ताल्लुक तो बलूचिस्तान से, चाहे वो पंजाब जितनी देर मर्जी रहे हो लेकिन पंजाब हो ही है, पंजाब हो ही। अच्छा हसाम काजी के अलावा कोई और शख्सियत जो उस दौर के ड्रामे, यार कौन कौन से मशहूर ड्रामे टीवी के मशहूर प्लेस? लाहौर का सबसे मशहूर तो वही था वारिस। वारिस था, दहलीज था। अच्छा फिर हाँ जी वो एक फिल्म स्टार वो थे क्या अख्तर, जो विलन भी आते थे मसूद अख्तर, वो तो गुजरांवाला हयात नहीं फौत हुए अभी रिसेंटली, रिसेंटली फौत हुए और बहुत प्यारे एक्टर थे, उन्होंने मेरी डायरेक्शन में काम किया हुआ and I found him a very good actor, I know. actor and a good person, person. a nice person to be with. वो और निगत भट्ट, दोनों मेरा ख्याल दोनों के आखिरी काम बस यही थे मेरे साथ। I got to interview him और वो nostalgia होता था और depression, वो एक अपने काम का जिक्र करते थे रोना शुरू कर देते थे, जिक्र करते थे रोना शुरू कर देते थे। मसूद अख्तर आंसू फिल्म का सबसे बड़ा कैरेक्टर, he was a rapist. Yes, he raped for God's sake. सबसे बड़ा कैरेक्टर। This happened in a train. पूरी कहानी उसके ऊपर बेस्ड। तेरे बिना यूं घड़ियां बीतीं, जैसे सदियां बीत गईं। Think of the plays, famous plays of Lahore. आप देखें लाहौर के famous plays. अच्छा आपको private production में कोई play अगर लाहौर का कोई देखें, तो वो इज़हार काजी। क्यों नहीं आए? अब फिल्म हो या ड्रामा हो यार, ही वाज अ हीरो। इज़हार काजी की साख्त ही हीरोज वाली थी। द टॉल गाय, दैट टॉल गाय, दैट टॉल गाय, इट वाज, इट कांट बी इज़हार काजी। ये नहीं हो सकता कि उसका तस्करा ही ना आता हमारी गुफ्तगू में। और हसाम काजी भी जिंदा नहीं है, नहीं वो भी उनकी भी 10-15 साल हो। हाँ फिल्मी हीरोज में भाई मेरे वैसे तो शुजात हाशमी ने काम किया हुआ है फिल्म से, फिर उधर असद ने काम किया हुआ है, नमान एजाज ने काम किया हुआ है, ये आपका, लेकिन ये सारे जिंदा। और ये हीरोज नहीं है, हीरो वाली बात नहीं, एक्टर, टीवी एक्टर टर्न्ड फिल्म स्टार, और फिल्म के जो हालात थे वो कोई ऐसे नहीं थे कि ये आपको टीवी से ही तलाश करना पड़ेगा, ये टीवी की राख तो उसी में से आपको कुछ मिलेगा। अच्छा जी, सो लेट्स शूट अनदर क्वेश्चन। यू हैव समथिंग? नहीं मतलब सुबह का हम पूछ लें, ओरिजिन उनका सिंध से है क्या? हाँ ये इसके अलावा कौन हमारे पास अगर मिल गया ना हमें सुराग यहीं से मिलेगा, अगर केपी से हैं तो फौरन पठान एक्सेंट पे चले जाएंगे आप, आपको पता चल जाएगा पठान की बिगनिंग पे। और कराची के हैं तो आपको ये अंदाजा होगा या तो उर्दू स्पीकिंग या सिंधी स्पीकिंग। सिंधी स्पीकिंग बहुत कम है जो पंजाब में आके सेटल हुए। मुस्तफा कुरैशी है, मोहम्मद अली और मुस्तफा कुरैशी के अलावा कोई बड़ी मिसाल और नहीं। पंजाब आने से पहले ये सिंध में थे जी, सिंध में, तो फिर ये डेफिनेट इंडिया की पैदाइश। कराची सेटल, कराची टेलीविजन से आगाज किया, पंजाब आ गए, अब सिंध के पुराने ड्रामे आ गए। तन्हाइयां, तन्हाइयां एंड शाहीन में जो हीरो था उसका मैंने बड़ी दफा जिक्र किया, ये बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा हीरो, बड़ा जवान भक्त थी शाहीन का, शाहीन आखिरी चट्टान, शाहीन बड़ा प्यारा सा गुड लुकिंग, जिस तरह
वो था ना नसीम इजाजी के एक मशहूर ड्रामे शाहीन में जो शाहीन का कैरेक्टर कर रहा है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था इस्माइल शाह की बात कर रहा हूँ तो फिल्म का टीवी या फिल्म का फिल्म तो ज्यादा नाम है नहीं नहीं टीवी से बड़ा नाम नाचे नागर ठीक है लेकिन बहरहाल इस्माइल शाह एक ऐसा कैरेक्टर है कि जिसका ये हो नहीं सकता कि हम ना देखे ना सारे दे विदर्ड अवे और फिर हम उनका तस्करा भी कभी नहीं आता और ये बड़े अहम कैरेक्टर्स थे अब शाहीन में जो मेन कैरेक्टर था इस्माइल शाह लुत्फ आ जाता था उसको देख के एक कैरेक्टर बड़ा तगड़ा ऊपर से हम जोशीले नौजवान तो हर एक हाथ में तलवार पकड़ के ड्रामा देखा करता था खयाम सरहदी साहब पेशावर को जान खयाम सरहदी अल्लाह का भला करे यस ही वाज फ्रॉम सरहद ठीक कह रहे हो खयाम सरहदी makes a very good choice लो जी खयाम सरहदी नो but did he spend time in sin ये कह रहे जी सिंध से आए थे और हमारे दोस्त मरहूम मकफूर अल्लाह करे मेरे उस्ताद मोहतरम यावर हयात साहब अगर वो कहते थे अगर मेरा बस चले ना तो मैं इशफाक अहमद को बिल भेजूं एडवर्टाइजमेंट का जो अपने ड्रामों के जरिए अपने मसलक का प्रचार करते रहते हैं ना ये और वाकई करते हैं क्योंकि सूफीज्म का प्रचार उन्होंने इतना किया कि मैं उन्हें बिल भेजूं ये आपने एडवर्टाइजमेंट की है। अच्छा जी अब हमारे पास 5 सवाल रह गए जी बहुत सवाल है आपके पास ये बताइए कि मनचले का सौदा के साथ एसोसिएट रहे जी फर्स्ट ब्रेक थ्रू यस और जब मैंने कहा था पंजाब से ताल्लुक है ये जो परेशान हो गए सरहदी है तो पंजाब से क्या ताल्लुक है अच्छा मनचले का सौदा में जो मेन कैरेक्टर्स थे वो ये दोनों ही थे एक हयात है दूसरे इंतकाल है अच्छा जी फिल्म स्टार साइका के साथ इनकी एसोसिएशन थी जी क्या सरहदी पूछे यार खासे उलझे हुए थे आप दुबई की खजूरें खा खा के बब्बू साहब का भी दिमाग काम कर रहा है सर ये he was born as Khayyam Sethi अच्छा अच्छा where was he born पेशावर इंडिया बॉम्बे इंडिया में to Sindh Karachi अब कराची से move to Lahore तो why would he call himself Khayyam Sarhadi बस उस सेठी से सरहदी हो गया कहीं नहीं उनका तो लिखा भी सरहदी है और उनकी जो नीस है जो इंडस्ट्री में है वो भी अपने नाम के साथ सरहदी जाले सरहदी लिखती है लेकिन ये फिल्मी नाम था चले मुबीन साहब थैंक यू वेरी मच आपने टफ टाइम तो हमें दिया लेकिन हमें फखर और खुशी है कि हमने एक इंतहाई प्यारे एक्टर को मतलब हाथ से नहीं जाने दिया हाथ से चले जाते तो सारा दिन इसकी डिप्रेशन रहती है हमें यार साढ़े को खयाम सरहदी नहीं पूछा गया लेकिन याद रखिए कि खयाम सरहदी उस दौर का प्रोडक्ट है जब पाकिस्तान में टैलेंट का जंगल होता था पूरा जंगल होता तो जेड़ा पन्नोलाल से आप मुझे उनकी आवाज याद आ रही है नेजल सी आवाज और इतनी शानदार अदायगी ऐसा तो रोज ऐसे ही होता है जब मैं कावा के 12 दरी को नंदना के टीले को और मोनियादारे की गलियों को देखता हूं तो मेरे दीद के एक लम्हे में सदियों के जमाने को पकड़ रखा होता है पिन की एक नोक पर सदियों के पर्दे लहराते हैं अब उन्हें देख के अंदाजा होता है यार जिस तरह हमने दरिया सिंध का पानी जाया किया ना हमने इनकी कदर ही नहीं की हमने तो अगर आज ये हो तो मैं तो इनके पास जाके बैठी और उठने का नाम ही नाम जी बेशक ऐसे लोग थैंक यू वेरी मच ब्रदर थैंक यू वेरी मच